लगभग 32,701 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के तहत या सब्सिडी के रूप में हमने अपने किसान भाइयों को दिया है। मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार विजय रथ पर सवार होने के लिए बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र में वादों की झड़ी लगा दी। लोगों से संवाद कर अगले 5 साल के लिए तैयार घोषणा पत्र का दावा करने वाले शिवराज को बेरोजगारों की भी याद आई। बीजेपी ने एमपी में हर साल 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया। स्मार्ट सिटी का तो पता नहीं, लेकिन शिवराज ने स्मार्ट गांव का नया शिगुफा जरूर छेड़ा। राहुल के कर्ज माफी कार्ड की काट के लिए किसानों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक्सप्रेसवे के विज्ञापन पर विदेशी तस्वीर का आरोप झेल रही बीजेपी ने हर शहर को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का ऐलान किया। महिलाओं के वोट पाने के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिला शक्ति संकल्प भी जारी किया। हमारी बेटियां जो 12th क्लास में 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर लाएंगी, उनको निशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराने का भी हमने फैसला किया है। मध्य प्रदेश के वोटरों पर दिव्य दृष्टि जमाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। वोटरों का दिल जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मची है। ये होड़ घोषणा पत्र में भी दिखी। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी की बात की तो बीजेपी ने बोनस का दाम खेला। इसी तरह रोजगार पर दोनों ने वादे किए। कांग्रेस के नर्मदा पथ के जवाब में बीजेपी ने शहर शहर एक्सप्रेसवे बनाने की बात की।